गाइस अभी हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए हम लोग। बैटरी भी डाल। गुड मॉर्निंग गाइज, यहाँ पे हम जा रहे हैं कॉलेज, कुछ काम पड़ गया है अर्जेंट अपना और अरूज का कराऊंगी, उससे पहले मैं जाऊंगी फोटोशॉप पे और डैडी को बोल देते हैं हेलो। हेलो डैड, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। क्या कहना चाहेंगे डैडी? मैं ये कहना चाहूँगा खुदावंद आपको खुश रखे, अपनी पनाह में रखे और रोज शुक्रगुजारी किया करें हर नेमत का जो खुदा हर बात के लिए। थैंक यू डैड, हर बात के लिए शुक्रिया अदा खुदावंद का करें। थैंक यू डैड, गॉड ब्लेस यू। और एज यूजुअल अलीशा पीछे बैठे हुए हैं तो वो शोर कर रहे हैं, आई मीन पीछे वो नहीं बैठता है लेकिन जब मैं होती हूँ साथ तो ऑब्वियसली फिर उसको पीछे बैठना होता है। साथ रहिए, चलते हैं कॉलेज, जितना भी मिनी सा व्लॉग बना साथ रहेंगे और दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जी गाइस, मौसम के हालात हमेशा की तरह ऑसम ही हैं, बहुत यम मौसम है। हम फौरन से पहुंचे अपने कॉलेज और अलीशा हमेशा की तरह मेरा सर खा रहा था कि मुझे भी काम है तुम जल्दी करो, और बस मुझे कॉलेज में इंटर होने में 5 मिनट लगे और हार्डली 2 मिनट में मेरा काम हो गया। थैंक गॉड मैंने अपना सर्टिफिकेट भी पिक कर लिया। और जी गाइस, फेस लुक को बिल्कुल इग्नोर करो, मैंने हड़बड़ी में बस भागते भागते जो है ना वो पहुँचने वाली की कॉलेज। गाइज अभी हम लोगों ने अपना सर्टिफिकेट भी ले लिया और डॉक्यूमेंट्स भी जमा करा दिए, हम लोग जा रहे हैं, निशा मेरे साथ है। ये था जी आज का दिन, बस अरूज के और मेरे कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराने थे हमारे डिप्लोमास के लिए, वो कराए फटाफट में। और जी कुछ बहुत ही दिन बिजी, बहुत 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 अजीब सा बिजी गया यार। हम लोगों को काम था तो हम लोग जो है सदर के लिए निकल गए, क्या काम था वो बाद में बताऊंगी मैं आप लोगों को, लेकिन हम लोग इतना थक चुके थे, हमें बस आधे घंटे का काम था हार्डली और हम लोग ट्रैफिक की वजह से अप्रॉक्स 2-2.5 घंटे हम लोग, मतलब कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग मैंने टाइम गुजारा, मेरा तो सर ही दर्द हो गया था। और हमें रात को ही कोई 11:30 हो गए थे और हम लोग फिर जो है वो KFC पहुँचे, वहाँ पे हम लोगों ने अपना रात का डिनर किया। मेरा तो कुछ खाने को भी बिल्कुल मन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत खा ही लिया था, और सबके ऐसे फेस थके हुए थे, इंतहा की थकन में थे हम लोग कि मैं क्या ही बताऊँ कि मतलब बयान से बाहर। बट दिन अच्छा था, हर बात के लिए शुक्र करना चाहिए खुदा का, जिस भी हाल में खुदा रखे उसके लिए हमेशा शुक्र करो। ये जो हमें सर्विंग करने आए थे, ये बंदा बिल्कुल जो है वो डिसेबल था कि इनको सुनाई नहीं दे रहा था, और क्या बोलते हैं इनको, डेफ बोलते हैं ना, हाँ तो ऐसा था। और हमें हर बात के लिए इसलिए मैं बोलती हूँ कि शुक्र करना चाहिए, खुश रहना चाहिए, और ज़िंदगी इसी का इनाम है, दिल नहीं भी करे तो भी व्लॉग करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कर दें, साथ रहिएगा।